जायगोटिन जो फेज है उसके बाद जो आता है वो कहलाता है पेकाइटिन, पेकाइनिमा। होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से ज़्यादा क्लोजली एसोसिएटेड हो जाते हैं, और ये जो प्रक्रिया होती है जबकि होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ आते हैं वो कहलाती है साइनेप्सिस। सेनेप्स जो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है वो टेट्राड कहे जाते हैं, क्योंकि अब इसमें फोर क्रोमेटिड्स मौजूद होते हैं। जब तक नेक्स्ट स्टेज नहीं होती है इसको ऑब्जर्व नहीं किया जाता है, जा सकता है, बट जब सिनेप्स्ड क्रोमोसोम्स दिखाई देते हैं तो वो पेकाइनेमा स्टेज पर क्रॉसिंग ओवर की जो प्रोसेस है, अभी हमने थोड़ी देर पहले जो बात करी थी कि जो क्रोमोसोमल पार्ट है वो एक्सचेंज हो जाते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के, और क्रोमोसोम्स जो हैं वो इस फेज़ में कंडेंस होने की प्रक्रिया जारी रखते हैं। नेक्स्ट जो फेज़ होता है वो होता है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन स्टेज जो होती है उसको डिप्लोनिमा भी कहा जाता है, और इसका मतलब होता है टू थ्रेड्स। ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है ये वर्ड भी। होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से थोड़ा सा, और क्रोमोसोम्स थोड़ा सा अनकॉइल हो जाते हैं, और कुछ जो पार्ट है उस डीएनए के को उसको ट्रांसक्राइब क्रिप्शन के लिए अलाउ कर देते हैं। डाइकाइनेसिस जो होता है उस फेज़ में क्या होता है, क्रोमोसोम कंडेंस करते हैं फर्दर, और जब डाइकाइनेसिस की प्रक्रिया होती है ये फर्स्ट पॉइंट होता है मियोसिस का, जहाँ पर कि चारों पार्ट्स ऑफ टेट्रेड्स जो होते हैं वो एक्चुअली विजिबल होते हैं, और इसका मतलब होता है डाइकाइनेसिस का मूविंग थ्रू। तो जब ये स्टेज होती है तो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से, और जो क्यास्मा फॉर्म हुआ था वो अब टर्मिनेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। क्यास्मेटा जो होते हैं वो क्लियरली विजिबल हो जाते हैं। क्रॉसिंग ओवर जो प्रक्रिया है, अभी हमने बात करी कि जो पार्ट ऑफ क्रोमोसोम है वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। ट्रांसफ़र तो नहीं कह सकते हैं कि एक नॉन सिस्टर क्रोमेटिड से दूसरे और दूसरे से पहले पे आ जाता है ड्यूरिंग प्रोफेज वन जो मियोसिस का होता है। तो एक क्रोमेटिड का जो क्रोमोसोम होता है वो दूसरे क्रोमोसोम के क्रोमेटिड से या वाइस वर्सा इस तरीके का एक एक्सचेंज प्रक्रिया होती है, और होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में होती है। क्रॉसिंग ओवर के द्वारा जो दोनों क्रोमोसोम्स हैं होमोलोगस क्रोमोसोम वो इक्वल सेगमेंट एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं क्रोमोसोम्स के पार्ट का, क्रोमेटिड के पार्ट का। क्रॉसिंग ओवर फर्स्ट डिवीजन ऑफ मियोसिस में होता है। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया कि होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर बने हैं, क्यास्मा बना है, और फिर क्यास्मेटा जो है वहाँ पर आपको क्रॉसिंग ओवर दिखाई दे रहा है, और लास्ट जो डायग्राम है उसमें आप देख सकते हैं कि जो क्रोमेटिड के सेगमेंट्स हैं वो एक्सचेंज हो गए हैं। इम्पॉर्टेंस क्या होती है क्रॉसिंग ओवर की? क्रॉसिंग ओवर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के हैं उनके बीच में होता है। तो जब भी क्रॉसिंग ओवर होता है तो नए कॉम्बिनेशन जो होते हैं वो बनते हैं। मियोसिस की सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट होती है क्योंकि इसके द्वारा वेरिएशंस प्रोड्यूस होते हैं ऑफ स्प्रिंग्स में, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ जो अंतर दिखाई देते हैं, वेरिएशन दिखाई देते हैं, वो इसी प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। नए इंडिविजुअल्स नए कॉम्बिनेशन के साथ, नए लक्षणों के साथ, लीनियर अरेंजमेंट ऑफ जीन्स जो है उसके लिए भी हेल्प करते हैं, मैपिंग ऑफ क्रोमोसोम के लिए भी हेल्पफुल होते हैं, और यूज़फुल रिकॉम्बिनेशन में भी इस तरीके का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो किया जा सकता है। मेटाफेज फर्स्ट जो होती है होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स अलाइन हो जाते हैं इक्वेटर ऑफ सेल के अनुरूप। होमोलोगस क्रोमोसोम जब सेपरेट होना शुरू करते हैं और एक दूसरे से ऑपोजिट पोल की तरफ, तो ये जो फेज़ होती है वो एनाफेज़ 1 कहलाती है। सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होते हैं वो सेंट्रोमियर से अभी भी अटैच्ड दिखाई दे रहे हैं। सेकेंड फेज जो मियोसिस की होती है वो दो हेप्लॉइड सेल्स चार हेप्लॉइड सेल्स का निर्माण करती है, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2।
टू के नाम से आप इन प्रवस्थाओं को इंगित कर सकते हैं। मियोसिस टू का जो प्रोफेस टू है वो न्यूक्लियर एनवेलप फ्रेगमेंट हो जाता है, स्पिंडल फॉर्म हो जाता है, बिल्कुल जो माइटोसिस सेल डिवीजन होता है उसी की तरह इस तरीके की प्रक्रिया आपको दिखाई देती है। मेटाफेज सेकेंड में क्रोमोसोम्स सेल के अलोंग जो इक्वेटर प्लेन है उस पर अलाइन हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं और एक दूसरे से अलग होते हैं, ऑपोजिट एंड की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। टेलोफेज वन जब आती है तो न्यूक्लियर एनवेलप वापस से दिखाई देने लगता है, डीकंडेंस होते हैं क्रोमोसोम्स, स्पिंडल डिसअपेयर होने लगता है, साइटोकाइनेसिस जो प्रक्रिया है उसके द्वारा सेल दो सेल में डिवाइड हो जाती है और इस प्रकार जो कोशिकाएं निर्मित होती हैं लास्ट में मियोसिस के रिजल्ट जो होता है वो होता है फोर हैप्लोइड सेल्स विद वन कॉपी ऑफ ईच क्रोमोसोम। समरी ऑफ मियोसिस देखी जाए तो ये अर्ली प्रोफेस वन, फिर लेट प्रोफेस फर्स्ट है, मेटाफेज फर्स्ट है, एनाफेज फर्स्ट है, टेलोफेज फर्स्ट एंड साइटोकाइनेसिस जिसमें कि रिडक्शन डिवीजन हो गया है, और मियोसिस टू बहुत कुछ माइटोसिस की तरह ही है, तो जो भी हैप्लॉइड सेल बनी है वो कॉपी करके प्रोफेस सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, फिर एनाफेज सेकेंड और टेलोफेज सेकेंड तक आते आते दो कोशिकाओं का और निर्माण हो जाता है और जो लास्ट रिजल्ट होता है, एंड रिजल्ट होता है वो होती है हैप्लॉइड सेल्स जिनका नंबर होता है 4। कंपैरिजन अगर किया जाए माइटोसिस और मियोसिस का तो माइटोसिस में नंबर ऑफ डिवीजन 1 होता है पूरे प्रोसेस के दौरान, मियोसिस में 2 डिवीजन्स होते हैं, मियोसिस फर्स्ट और सेकेंड डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन रिडक्शन डिवीजन होता है और सेकेंड डिवीजन के फलस्वरूप वही रिड्यूस्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो के साथ सेल होती है हैप्लॉइड सेल वो अपनी और कॉपीज बना के, तो इस तरीके से जो नंबर ऑफ डॉटर सेल्स माइटोसिस के फलस्वरूप बनती है उसका नंबर होता है 2, मियोसिस के द्वारा 4। जेनेटिकली आइडेंटिकल होती हैं, यानी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम माइटोसिस की जो डॉट पेरेंट सेल होती है उसमें भी होता है और डॉटर सेल होती है उसमें भी होता है, किसी तरीके का कोई कॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है। मियोसिस में जो होती है जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होती है क्योंकि क्यास्मा क्रॉसिंग ओवर और नंबर ऑफ क्रोमोसोम सब के आधार पर अगर बात करी जाए तो वो पेरेंट सेल से डिफर करती है। क्रोमोसोम्स का नंबर सेम एज पेरेंट होता है माइटोसिस में, जबकि मियोसिस का बात करी जाए तो पेरेंट से हाफ हो जाता है। सोमेटिक सेल्स में माइटोसिस डिवीजन होता है जबकि जर्म सेल्स में मियोसिस डिवीजन होता है। थ्रू आउट लाइफ ग्रोथ और रिपेयर का जो काम होता है वो माइटोसिस सेल डिवीजन के द्वारा होता है जबकि मियोसिस सेक्सुअल मैच्योरिटी पर होता है और इसका काम होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करना। थैंक यू।